जाएं, जिससे कि हम इसकी टिक्कियां बना सकें। अब अपनी हथेली पे 2-3 बूंदे तेल की लगा के में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठा के उसको टिक्की जैसा शेप दे देना है। देखिए इस तरीके से, बहुत ज्यादा बड़ी मत बनाइएगा और बहुत मोटी भी मत बनाइएगा, इसको बस आप इतने छोटे छोटे शेप ही दीजिएगा। इस तरीके से हम सारी टिक्कियों को शेप दे लेंगे। अब सारी टिक्कियों को शेप मैंने दे दिया है और एक बोल में मैंने ये थोड़े से सफेद तिल लिए हैं। अगर आप व्रत में तिल खाते हो तो आप डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं इन टिक्कियों को तिल पे अच्छी तरीके से ऐसे रख करके कोट कर रही हूँ, जिससे इसमें बड़ा अच्छा सा लुक भी आता है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है इसका। देखिए कुछ टिक्कियाँ मैंने प्लेन रखी हैं और कुछ में मैंने तिल ऊपर से कोट किया है, तो अब हम इसको शैलो फ्राई करते हैं। अगर आप इसको कम ऑयल के साथ सेकना चाहते हैं तो आप इसे एयर फ्रायर में एयर फ्राई भी कर सकते हैं। पैन में मैंने थोड़ा सा मूंगफली का तेल डाला है, आप चाहें तो आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑयल हमको मीडियम हॉट चाहिए और उसके बाद हमें अपनी टिक्कियाँ इसमें डालनी हैं। और इन टिक्कियों को हमें बहुत ज़्यादा बार उलटना पलटना नहीं है, नहीं तो कई बार क्या होता है पलटते समय टूट भी जाती हैं। तो इसको आप मीडियम हॉट ऑयल में मीडियम से स्लो गैस के ऊपर 2 मिनट के लिए सेकिए, फिर इसका साइड पलटिए। देखिए इस तरीके से, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसमें, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और यकीन मानिए खाने में भी ये उतना ही टेस्टी होगा। तो इस तरीके से हमको उलटते पलटते हुए इन टिक्कियों को सेक लेना है। ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम तेज बिल्कुल भी मत करिएगा और बहुत स्लो भी मत करिएगा। अगर आप बहुत स्लो गैस का फ्लेम रखेंगे तो इन टिक्कियों में बहुत ज़्यादा घी अब्जॉर्ब हो जाएगा और खाने में फिर अच्छा नहीं लगेगा। बीच बीच में फ्राई पैन को ही ऐसे हिला दें, बार बार उसे पलटिए नहीं। देख सकते हैं कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर इस पे आ गया है। तो अब ये टिक्कियां बन करके तैयार हो चुकी हैं। हम इसे निकालते हैं टिश्यू पेपर पे। अब हम लोग अपनी प्लेन वाली टिक्कियां भी सेक लेते हैं, जिसमें कि हमने तिल नहीं लगाया है, उसको भी हमें सेम प्रोसेस से ही सेकना है। तो बस इसी तरीके से उलटते पलटते हुए हमने इनको भी सेक लिया। तो अब ये सेक चुकी हैं और हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो हमारी टिक्कियां रेडी हैं, करते हैं इसकी प्लेटिंग। इसको खट्टी चटनी के साथ, व्रतपाली खट्टी चटनी के साथ सर्व करिए और गर्मा गर्म खाइए। मैं आपको अंदर से तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना, ऊपर का कितना क्रिस्पी इसका क्रस्ट आया है और अंदर से एकदम सॉफ्ट।